ऊना जिला के सलोहू गांव में छत्र मंडली की आड़ में आए चार शातिरों ने एक घर में घुसकर लूटपाट का प्रयास किया। हालांकि घटना के दौरान ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन चोरों का डटकर मुकाबला किया और शातिरों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इन चोरों ने घटना को अंजाम देने के लिए घर के मालिक को बेहोश कर दिया था। महिला ने इस दौरान शोर मचाया, जिस पर चारों आरोपी मौके से भाग गए। इनमें से दो बाद में स्थानीय लोगों ने पालक वहा गांव में काबू कर लिया। ता दो इधर बैठे हुए थे, एक उधर बैठे हुआ तो भाजी आए, उन्होंने पहले ही नहीं ना वो कुछ दिता जंत्र मंत्र जहा करके 7 बजे सिर्फ घुमाया तो इन्होंने कहा, कहने तुसी बोलो जिदा बाबे का कारा लगाया जिदा उधर लाता वो नहीं, फिर उसके बाद मैं अगे चल गई कपड़े सुकने पान। जो वापस आई तो एक बंदा है नहीं इतने, फिर मैं जब देखा जाकर अंदर तो बंदा अंदर लगे वह दाने पानी ना ये बोरा फट के खड़े भी तो वो दाने पाई जान टेंची खोली, फिर मैं अंदर तो उन्होंने घड़ीस कर लिया। मैं कहा तुसी अंदर क्या करया करते, कहते नहीं नहीं असी दाने भगत जी दाने पाया करते। मैं कहा दाने क्या पाते, थोड़ा मतलब क्या अंदर बढ़ने का। मैं कहा फिर जिदे ही बाहर न आए तो फिर मैं इन्होंने घड़ीसिया उधर गेट लगाता अंदर, तो जन जे दूसरे भाई है जिन्हें ना वारदात हुई है वो बेहोश हो गए। जन असी उन्होंने संभाल लग पे, जन ये फरार होकर नट ले, फिर जन असी आला दुआला फोन किए, इधर साडा खंड पाठ रखाया तो आवाज़ जाती नहीं थी दूर तक की भी, जन असी गलबात की वारदात हुई तो जन फरार हो ले। फिर साढ़े पिंड के मुंडे ने साढ़े नाल ही तो वो चल गए उन्हें पालको आवा जाकर थले उत्थे फड़े जाके, फिर असं उत्थे तो लैके इन्होंने इतने आए अपने घर में। उसके बाद असी पंचायत बुलवाई, प्रधान बुलाए तो प्रधान हुई, फिर पुलिस वाले बुलाए, हूँ कार्रवाई चली भी है। सलोहू पंचायत की प्रधान अनिता कुमारी ने कहा कि इन आरोपियों को बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जो है मेरे पास दूरभाष के माध्यम से स्थानीय लोगों ने मुझे सूचित किया कि यहाँ पर कुछ असंदिग्ध जो है वो लोग पाए गए हैं और उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की है। एकदम से जो स्थानीय ये साथ में घर महिला है उन्होंने देखा तो इस चीज़ के बारे में जो है उन्होंने रोका और उसके साथ ही जो था फिर उन्होंने हमें जो सूचित किया और तुरंत हम मौके पे पहुँचे। मौके पर पहुँचने के साथ हमने स्थानीय प्रशासन पुलिस चौकी पंडोगा में उनको जो है फ़ोन किया और अभी पुलिस जो है मौके पर पहुँच गई है और इस कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जांच आगे की जा रही है।